हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम्पल कलम से क्रांति। साथियों, इंटेलिजेंस ब्यूरो में ACIU इसकी परफॉर्म होती है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। जैसे पुलिस के इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, वैसे जो हमारी आसूचना ब्यूरो जिसे इंग्लिश में इंटेलिजेंस ब्यूरो करते हैं, हमारे देश की इंटरनल जो एक खुफिया एजेंसी होती है, गुप्तचर एजेंसी होती है, जैसे रो बाहर के देशों के लिए फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी मतलब विदेश में काम करती है, विदेशों से खुफिया जानकारी जुटाती है, वैसे आईबी देश के अंदर खुफिया जानकारी जुटाने का काम करती है राज्य पुलिस के साथ मिलकर अकेले। तो इसमें एक पद होता है, एक बहुत ही बढ़िया एंट्री लेवल का पद है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। बहुत ही मान सम्मान बढ़िया सिविल वर्दी की नौकरी। पता भी नहीं होगा कि आप कार्य कर रहे हैं ACIU के पद पर। नॉर्मल आपको फील्ड की पोस्टिंग ऑल इंडिया जॉब है, तो ध्यान दीजिएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, भारत सरकार असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2023। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी इनवाइट की गई है और अब इसमें यहां पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है बहुत सारी चीजों का, तो वो एक बार डिस्क्रिप्शन देख लें। इसमें ये ग्रुप सी की नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है, जैसे CGL लेवल से ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल भाई। लेवल 7 की इसकी सैलरी है 44,900 से 1,42,400, ये इसका पे मैट्रिक्स है। इसके अलावा अन्य भत्ते, इनिशियल अपॉइंटमेंट यदि आपका होगा शुरुआत में तो आपको 44,900 बेसिक पे, 20,654 डीए, SSA मिलेगा 8,980, HRA मिलेगा 9 से 27%, यदि एक्स टाइप शहरों में 27%, वाई में 18, जेड में 9%। तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस हायर TPTA में 3600 प्लस दिए और अदर प्लेसेस में 1800 प्लस दिए, और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो NPS मतलब जो पेंशन है उसके लिए 14%, 6286। ये आपको इतना पैसा इनिशियली मतलब इसमें तनख्वाह बहुत बहुत बढ़िया आपके इनहैंड आएगी, जो बाकी ग्रुप सी की केंद्र सरकार की नौकरियां होती है उनसे बहुत ज्यादा। इसके अलावा और भी यहां पे भत्ते बता रखे हैं, कैश कंपनसेशन 30 दिन की, अगर छुट्टी कम लेते हैं 30 दिन की छुट्टी आपकी बच जाती है अधिकतम उसका पैसा, एनुअल इंक्रीमेंट, मेडिकल फैसिलिटी आपके और परिवार के लिए, CGHS इत्यादि जो होती है, LTC चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, गवर्नमेंट अकोमोडेशन। टोटल पद की बात करें तो इसमें जनरल के 377 पद है, EWS के 129, OBC 222, SC 134, ST 133, 995। कंप्यूटर की नॉलेज डिजायरेबल है, जरूरी नहीं है, हो तो अच्छी बात है, कंपलसरी ग्रेजुएशन होना आपका कंपलसरी है। एज इसमें 18 से 27, SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनको 40 वर्ष तक की, जिन्हें कम से कम 3 साल सर्विस के हो गए, वो सारी चीजें इसमें लिख रखी है। ये किसी भी कैटेगरी के बच्चों के मतलब किसी भी, द पोस्ट ऑफ ACIU इज नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन विद डिसेबल, दिव्यांग जनों के लिए इनमें से कोई भी पोस्ट नहीं है। इसमें वैकेंसी प्रोविजनल है, ये चेंज भी हो सकती है, इस पर आगे कह रखा है। इसके अलावा जो आपके क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, ये ग्रेजुएशन का रिजल्ट कब तक आना चाहिए, 15/12/2023 15 दिसंबर तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए, 15 दिसंबर तक इसमें आपकी सारी क्वालिफिकेशन। इसके पेपर में ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, जनवरी आप लेकर चलो, लगभग लगभग मैक्सिमम 45 से 60 दिन की तैयारी आपकी इसमें हो गई है। उसके बाद में उसमें 5 सेंटर आपको चुनने, 5 में से 1, 2, 3, 4, 5 पहले भर दोगे तो आपको सेंटर इसमें अलॉट हो जाएगा, इसमें सारी की सारी चीजें दे रखी है। इसके अलावा इसमें ऑल इंडिया ट्रांसफर कहीं भी हो सकता है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। बाकी इसमें कहां कहां पर सेंटर है वो सब जानकारी दे रखी है, अपने पास के कोई भी आप 5 सेंटर भर दे, कुल मिला के इसमें देखेंगे तो लगभग आपका 146 के करीब पूरे इंडिया में सेंटर है, तो सेंटर की भी कोई कमी आपको नहीं रहेगी, ये सब देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन जो इसका जो रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम के 2 टीयर है, Tier 1 Tier 2। ध्यान रखिएगा कैसे, Tier 1 में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, हर एक जो इसमें 5 मतलब सब्जेक्ट में बटा होगा, एक करंट अफेयर, एक जनरल स्टडीज मतलब GK, एक मैथ रीजनिंग और इंग्लिश, तो 5 सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन आएंगे,
पांचों सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन के लिए एक मार्क, सही के लिए एक नंबर और गलत के लिए 1/4 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। 60 मिनट का समय आपको मिलेगा, ये भी आप याद रखें। उसके बाद में टीयर टू डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, 50 नंबर का, एक घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें 30 नंबर का एसे और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज राइटिंग 20 नंबर का। जब आप टीयर वन टीयर टू दोनों क्लियर करते हैं तो दोनों के मार्क्स मिलाकर टीयर थ्री इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, 100 नंबर का इंटरव्यू है। कैंडिडेट जो इंटरव्यू में जाए उनको साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट भी देने पड़ सकते हैं, जैसे एसएसबी में कोई आप में से गया हो, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के एसएसबी होती है, तो वहां जो पहला दिन होता है एंट्री वाला, उस दिन कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कभी कभी हो जाती है, जो रीजनिंग वाले टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद में अब आप ध्यान दीजिएगा कैसे होगी, एक एक चीज इसमें दे रखा है। कैंडिडेट को टीयर वन में किसी भी 5 सेंटर में से एक पर बैठना होगा, और जो उसने चॉइस की है नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। अगर आप अनअटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं। अगर मार्क फॉर रिव्यू है तो इसको भी कंसिडर नहीं किया जाएगा इवोल्यूशन में। उसके बाद में आगे क्या कहा गया है कि सबसे पहले टीयर वन में उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा जिनके जनरल में 35%, ओबीसी में 34, एससी एसटी 33, ईडब्ल्यूएस 35, इतने नंबर आएंगे, उसके बाद में मेरिट लगेगी। अलग अलग शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन के बाद में क्या कह रखा है कि टीयर वन से जितनी भी वैकेंसी होंगी उसका 10 गुना टीयर टू में बुलाया जाएगा, जो आपका रिटन डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है, और जितनी वैकेंसी है उसका 5 गुना टीयर वन टीयर टू में टोटल मिलाकर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक और बात याद रखें, एंट्री उसमें जो टीयर टू है उसमें आपको 33% तो लाने कंपलसरी है, फिर टीयर वन टीयर टू के मार्क्स जुड़ के आपको टीयर थ्री में बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। फिर आपके साथ ही जब आप इसमें जो डेट टाइम टीयर टू और टीयर थ्री का, वो आपको ईमेल जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में देंगे उस पर बता दिया जाएगा, इसलिए ईमेल बहुत ही सही दें जिसका पासवर्ड इत्यादि आपको पता हो। उसके बाद में उसमें ये सारी की सारी चीजें इसमें कुछ और दे रखी है। फिर टाइम केसेस का कहते हैं इसमें दे रखा है कि जो आपका फाइनल मेरिट लगेगी वो लगेगी तीनों के स्कोर पर, समझे मेरी बात, कंबाइंड स्कोर ऑफ कैंडिडेट इन टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री, मतलब जो फाइनल मेरिट लगेगी वो याद रखिएगा, फाइनल मेरिट 100 नंबर का तो भाई ऑब्जेक्टिव टाइप, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव और 100 नंबर का इंटरव्यू, 250 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट लगेगी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर इसमें इन्होंने वो सारा बता रखा है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 25 नवंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं आज से, और 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। जो ऑफलाइन जमा कराना चाहे फीस वो 19 दिसंबर तक करा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के या तो आप www.mha.gov.in या जो नेशनल कैरियर सर्विस का पोर्टल है उस पर आप करा सकते हैं। 25/11 से पहले और 25/12 के बाद में रजिस्ट्रेशन है वो अलाउ, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दें, ये सारी की सारी। फिर यहां पर बता रखा है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिलेगा, उसके बाद में लॉग इन करके आपको फॉर्म कंप्लीट करना होगा। ये आपको मैं बता दूं कि जिस लिंक पर ये फॉर्म भरना है, अगर आपको वो लिंक नहीं मिलता तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डलवा रहे हैं आपको, उस लिंक पर इस तरीके का आपको यहां पर सबको दे रखा है रजिस्ट्रेशन का, तो आपको यहां पर पोस्ट नेम, असिस्टेंट सेंट्रल, कैंडिडेट का पूरा नाम, जैसे आपके 10th में मोबाइल नंबर कंफर्म करना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस, सही ईमेल एड्रेस, फिर डिक्लेरेशन, ये आप कैप्चा कोड डालोगे तो यहां पर साथ ही वेरीफाई करने के बाद में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपको याद रखिएगा यहां पर एक ऑप्शन आएगा लॉगिन, ये आपको लॉगिन करना होगा, और फिर आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड ये भरने के बाद में आपको अपनी फाइनल जो आपकी एप्लीकेशन है वो भरनी होगी। किसी को कोई दिक्कत आए तो यहां पे बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं, अगर आपको FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में कुछ पूछना है, इंस्ट्रक्शन में कुछ देखना है, ऑलरेडी रजिस्टर है वो सब कुछ। इसमें आपको हेल्पलाइन नंबर भी दे रखी है, यदि आप ना कर पाए, आपसे ना हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया सा एग्जाम है, छोटी छोटी चीजें दे रखी है, 5 भागों में बटा हुआ है, करंट अफेयर 20 नंबर का, 20 नंबर की जीके, 20 नंबर का मैथ, 20 की रीजनिंग, 20 की इंग्लिश, 18 से 27 एज है ग्रेजुएशन, 15 दिसंबर फॉर्म की लास्ट डेट है, तो जल्दी से फॉर्म भर दे जिससे आपका पास का सेंटर मिल जाए।
तैयारी के लिए आपको बता दें, इसकी क्लास से पहले तो हमने सोचा था डाउनलोड चलाते, अब इसकी हम फ्री क्लास से एग्जामपुर के ही यूट्यूब चैनल पर मंडे से चलाएंगे, अर्थात परसों से दोपहर 12 से 5, 5 क्लास, 5 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस। और क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं है, मैथ और रीजनिंग हो, आपको कम क्वेश्चन करानी है, लेकिन हर एक टाइप अच्छे से अच्छा जो आया है सीजीएल लेवल का वो आपको आता हो, उसी की बार बार प्रैक्टिस, इस तरीके से मैथ, इसी तरीके से रीजनिंग, इसी तरह आपको जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो बहुत सारे लोगों का कमजोर होता है, उस पर थोड़ा ध्यान, ज्यादा ध्यान, जो ये करंट जो आपका ये जीके वाला पोर्शन है, जीके वाले पोर्शन को भी टू दी पॉइंट, क्योंकि अब 60 दिन में जीके बहुत बड़ा होता है, तो जो पिछली बार आईबी ने करंट इस तरह की चीजें पूछी, जो स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, उस तरीके की चीजें आपको लिमिटेड प्रोवाइड कराई जाएंगी। करंट अफेयर पर विशेष ध्यान रहेगा, क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते, उसके आपको विशेष क्लास दी जाएगी। तो आपको 5 से 6 क्लास एप्लीकेशन पर थ्योरी वाली बहुत बढ़िया मिलेंगी, 999 रुपए का बैच चाहिए एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, और इसके क्लासेस परसों से ही हम लोग यूट्यूब पर भी फ्री शुरू कर देंगे। बाकी इसकी जो मेन क्लासेस होंगी ये आप ऐसा समझ के चलिए, इसमें तो ज्यादा हमने टाइम दे दिया, उतना टाइम इसके लिए मिलेगा नहीं, तो हम लोग इसको 7 दिसंबर ना करके आप इसे ऐसा समझिए, इसको हम लोग साथ ही 1 दिसंबर से चलाते हैं। 1 दिसंबर से इसकी हम लोग सारी की सारी क्लासेस सीधी इसके एप्लीकेशन पे क्लासेस शुरू करते हैं। बढ़िया टीम दूंगा, 1 नंबर, ठीक है भैया। बाकी एक बार आप सभी लोग इस एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़िएगा, एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद ही आप लोग कभी इसमें आगे बढ़िएगा, बिना एडवर्टाइजमेंट पढ़े आप सभी लोग आगे मत बढ़िएगा। बाकी कोई और आपको जानकारी चाहिए एलिजिबिलिटी को लेकर, बढ़िया वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी इस तरह की आती है, पूरा फॉर्म कैसे भरे, एक एक चीज को सबको अच्छे से पढ़ लेना, मतलब इसमें जल्दबाजी मत करना, इसमें आपको सिग्नेचर आपके व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा जो आपका मतलब फोटो, उसका साइज 12 वीक से ज्यादा पुराना ना हो, 12 वीक का मतलब 3 महीने से ज्यादा पुराना ना हो, ब्लैक एंड व्हाइट ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया से इसमें जैसे फॉर्म की आपको वो दे रखी है इंस्ट्रक्शन, वैसे फॉर्म भरना, मतलब फॉर्म में आपको भी गलती मत करना, वरना जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड नहीं आता है। बाकी तो इसमें नीचे कोई ऐसी खास जानकारी नहीं दे रखी, सिलेबस से रिलेटेड कुछ इसमें जानकारी हो तो वो भी इसको आपको प्रीवियस ईयर से मिल सकती है, सिलेबस से रिलेटेड भी इसमें कोई इतनी खास जानकारी नहीं दे रखी है, लेकिन एक ग्रेजुएट स्टूडेंट से एसएससी सीजीएल लेवल का जो एक मतलब उम्मीद रहती है वो ही इसमें आप समझ सकते हैं कि उम्मीद होगी, उसी तरीके का आप लोग जरूर अच्छे से अपनी तैयारी करें। बाकी हम लोग टाइगर में, टाइगर का नाम इसलिए रखा है, खुफिया विभाग में जा रहे हैं आप लोग, तो खुफिया विभाग में कुछ कोड वर्ड होते हैं, आपका भी अल्फा चार्ली कुछ रहे हो सकता है आगे जाके, हमने टाइगर रख दिया, ठीक है चलो। टाइगर 3 फिल्म भी आई है। बाकी इसके परसों से 12 से 5 प्रैक्टिस टाइप क्लासेस भी, प्रीवियस ईयर डिस्कशन ये सब शुरू हो जाएगा, और इसके क्लासेस हम लोग 1 तारीख से एप्लीकेशन पर अच्छे से जीरो से शुरुआत कर देंगे। मैथ कह रहा हूं, मैथ रीजनिंग ऐसे समझो कि 30-30, 35-35 घंटे में बढ़िया एकदम काम की चीजें जितनी होती हैं, इसी तरह आपका जो करंट अफेयर है इंग्लिश जीके पर, करंट अफेयर पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस, ठीक है भैया। चलिए फिर, थैंक यू, धन्यवाद।